बड़ों को प्रणाम और साथ वालों को राम राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद फैक्ट्स में। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा महात्मा गांधी जी चाहते तो सरदार भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन क्यों और कैसे, यह बात शायद ही किसी को पता हो, तो चलिए मैं बताता हूँ। बात दरअसल 1930 की है, जब 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। देश की पूरी जनता को अपने साथ कर लिया था। गांधी जी के कहने पर देश की जनता कुछ भी कर सकती थी। उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेजमे मैकडोनाल्ड थे और विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल थे। पीएम रेजमे मैकडोनाल्ड ने 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, जिसे ब्रिटेन में बुलवाया गया था, जिसमें गांधी जी को भारत की ओर से जाना था। लेकिन गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने इंग्लैंड जाने से साफ तौर पर मना कर दिया। गांधी जी के इंग्लैंड न जाने पर ब्रिटेन का विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर हावी हो गया और कहने लगा कि तुम्हारी बात तो एक गुलाम देश का नेता भी नहीं मानता है, और सरकार पर हावी होने लगा। अपनी सरकार को बचाने के लिए मैकडोनाल्ड ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार से गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लाया जाए, और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने के लिए 11 सूत्री मांगे इरविन के सामने रखी। और देश की जनता के कहने पर इनमें से एक मांग यह भी थी कि भारत के सभी कैदी रिहा कर दिए जाएंगे। कहानी का दूसरा पक्ष हमें सरदार भगत सिंह की ओर लेकर चलता है। भगत सिंह देश के एक महान पुत्र थे, जिन्होंने अंग्रेज शासकों के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए भरी असेंबली में बम फेंक दिया था। उनका मकसद अपनी आवाज को सिर्फ अंग्रेजों तक पहुंचाना था, इसलिए उन्होंने बम ऐसी जगह फेंका था जहां से किसी को जान का नुकसान ना हो, और इसके लिए भगत सिंह को पकड़ लिया गया। उन पर बम फेंकने तथा सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाया गया। हालांकि हत्या के आरोप का कोई सबूत अंग्रेजों के पास नहीं था, फिर भी भगत सिंह, राजगुरु और बक्तेश्वर दत्त को 14 फरवरी 1931 में फांसी देने की घोषणा कर दी जाती है। और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दबाव के कारण इरविन गांधी जी की हर बात मानने को मजबूर था। लेकिन यहां पर गांधी जी से एक भूल हो गई और इरविन ने अपना दांव खेल दिया। इरविन ने कैदियों की रिहाई वाली मांग की बात पर यह घोषणा की कि भारत के सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। गांधी जी उसकी कुटिलता को समझ ना सके कि भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं बल्कि आपराधिक कैदी थे। इस प्रकार से इस समझौते के अंतर्गत उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने को हाँ कर दिया। और गांधी जी के इस भूल की कीमत सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चुकानी पड़ी, और उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में देश के वीर सपूतों का नाम जरूर लिखें।